आज जो पढ़ाएंगे टॉपिक डालो होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिजन, ठीक है? होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है उसको बताएंगे, और वो रिएक्शन में कैसे काम करता है। होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक, अच्छा सुने होंगे ये कंपाउंड, सुने होंगे ना तुम लोग नाइन्थ में ही, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। फिजन मतलब क्या होता है? फिजन मतलब रिप्रोडक्शन होता है, टूटना होता है। और फ्यूजन मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है। फ्यूजन मतलब टूटना होता है और फ्यूजन मतलब जुड़ना होता है, ठीक है? C2H5 और फ्री रेडिकल बन जाएगा।
में से एक ही एच निकलता है। हाँ अभी दो एच निकाल दोगे तो फिर एक, जैसे अगर दो एच सपोज डेट निकालोगे, अगर यहाँ से इसको भी ब्रेक करा दिए, ठीक है, सी एच टू डॉट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी एच टू और एक डॉट, एक डॉट मिल के बॉन्ड भी तो बना देगा एच थ्री हो जाएगा। और जिसके पास कार्बन नहीं है बॉन्ड कार्बन बनाएगा, कार्बन होता तभी तो बॉन्ड बनाता, हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड कभी बना ही नहीं सकता है। और ये एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इसके पास, एक हाइड्रोजन जो दूसरा वाला, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है जो कि बड़ा हो गया। अभी तभी तो नहीं टूट रहा है, देखो इसको सबको बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, ऐसे अभी पढ़ोगे, अभी इसी में पढ़ोगे, आज पढ़ाते जो कि कल पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, दैट मींस जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप क्या होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, उनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस जिनके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस बोलते हैं। अभी आप जब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जब कल पढ़ाएंगे तो उसमें सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये एच देखो, एच फ्री रेडिकल एक इसके पास है, एक एच फ्री रेडिकल इसके पास है, दो फ्री सॉरी दो, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं ना, दो इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेंगे, हाँ शेयर कर लेंगे, तो एच एच ऐसे बना लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एच टू ना, तो साइड समझ गए ना। अब एक रिएक्शन का एग्जाम्पल बना के निकालते हैं, कोई कंफ्यूजन बताओ, ये इसमें कोई कंफ्यूजन है, आते हैं जैसे जो एग्जांपल होता है, जैसे दी आर प्लस सी एस थ्री, ठीक है, ये क्या हो गया, इथेन हो गया, और इसमें अगर करा दें सी एल टू का रिएक्शन करा दो, तो सी एल टू का जब रिएक्शन होता है ना, ये क्लोरीनेशन होता है, ये पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में, इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन, और जैसे मतलब हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, हैलोजन को ऐड होता है जो, उसी को हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, देखो ऐड हो रहा है ना, एडिशन हो रहा है, इसीलिए हैलोजिनेशन होगा, तो ये क्लोरीन ऐड हो रहा है तो क्लोरीनेशन होगा, ठीक है, फ्लोरीन ऐड हो रहा है तो क्लोरीनेशन होगा, ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच म्यू, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका सिंबल है एच। वैसे अगर फिजिक्स के टर्म में पढ़ोगे, फिजिक्स में होता है, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसमें भी पढ़े होगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, उतना नहीं लेकिन फिजिक्स में पक्का पढ़ोगे, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.624 × 10⁻³⁴ होती है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। और जो म्यू होती है, इसको एम यू से रिप्रेजेंट करा जाता है, इसको फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ये इतनी माइनस में होती है, हाँ और क्या, अरे अभी फिजिक्स जब पढ़ोगे ना तब मालूम चलेगा, पढ़ो तो अच्छे से। ये प्लैंक्स जो है ना एक कांस्टेंट मतलब साइंटिस्ट थे। अच्छा स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बताओ, 3.6 × 10⁻⁸ तुम बताओ स्पीड ऑफ लाइट क्या भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सही 3.6 बता रहे थे, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। और वैसे क्या होता है, वैसे होता है 2.98 होता है, ठीक है, बट हम लोग जब मेजर जैसे उसका ग्रेविटेशन क्या होता है 9.8 होता है ना, इसको जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, इसको 10 कंसीडर क्यों लेते हैं भैया, ऐसे तो 0.2 का फर्क नहीं आएगा, बहुत फर्क आएगा, लेकिन जब न्यूमेरिकली सॉल्व एंड में 0.2 माइनस कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। अभी तुम लोग पढ़ोगे जैसे मैथ में पढ़ोगे ना, अभी 11th में मैथ अच्छे से नहीं पढ़े हो, अभी चैप्टर सारे नहीं पढ़े, पढ़ोगे बायनोमियल थ्योरम है चैप्टर 6 या चैप्टर 7, हाँ तो बायनोमियल थ्योरम में तुमको बताया जाएगा, हाँ जो भी है उसमें बताया जाएगा कि पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस क्या होता है, उसको हम लोग अप्रॉक्स में वैल्यू लेते हैं, हमेशा कभी फिजिक्स हुआ या केमिस्ट्री हुआ कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालोगे, तो वहाँ पे हमेशा अप्रॉक्स लगाया जाता है, ठीक है, अप्रॉक्स में आंसर हमेशा आ रहा है, उसी में सर 0.2 नहीं ऐसे लगा दोगे वो जितना भी, जैसे सपोज डेट हमारा आंसर आया 0.98, ठीक है, तो अप्रॉक्स लगा दिए, तो अगर सपोज डेट आंसर आ रहा होगा 0.97 तो तुम्हारा ये सही माना जाएगा, अगर ये में हाँ, में लगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं एक्यूरेट हुआ तो, हाँ
कोई बात नहीं, साथ साथ में बताते चले, उधर फ्री टाइम मिलेगा, जो जो छुट्टा रहेगा उधर कवर करा देंगे, ठीक है। इसको लिखिए, अब हेट्रोलिटिक का कर लो, इसकी डिफिनेशन कभी नहीं पूछेगा, डिफाइन कभी नहीं पूछेगा। अभी जैसे वो सब जो डिफिनेशन वगैरह पूछा जाता था ना, वो बच्चों को छोटा पूछा जाता था, अब तुम लोगों के समय पूछा जाएगा, अब तुम लोगों को पूछा जाएगा, चाहे फिजिक्स पढ़ो चाहे केमिस्ट्री चाहे मैथ, सब में पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तो उसका अप्लीकेशन पूछा जाएगा, डिफिनेशन क्या डिफिनेशन बोल जाओ, अब कॉन्सेप्ट समझो बस। वो भी जैसे दो तीन डेफिनेशन होगा जो तुमको याद करना होगा, जैसे अगर तुम जो चैप्टर टू पढ़े होगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें होगा वो क्या बोलते हैं उसमें, क्या बोलते हैं उसमें क्वांटम नंबर्स वगैरह याद करने पड़ते हैं, जैसे समझना उसमें भी पढ़ते हैं, बट थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। जैसे तुम लोग को हमेशा एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, वो क्या कहते पहले चैप्टर पढ़े होगे, तो पहले चैप्टर में कौन सा मेन टॉपिक है, एम्पिरिकल फार्मूला है ना, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं केमिस्ट्री में बात कर रहा हूँ, चलो चलो इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक फिशन पे आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, दूसरा टॉपिक सबमिटिंग वालों में हेट्रोलिटिक फिशन, हेट्रोलिटिक फिशन सब में सेम है, बाकी जब जो टूटेगा ना प्रोडक्ट, किसी के साथ फ्री रेडिकल नहीं होगा यहाँ पे, मतलब कि डिफरेंट होना चाहिए अगर टूटने के बाद, अभी बता रहा हूँ, सेम प्रोडक्ट नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, वही सेम एग्जांपल लेते हैं तभी समझ में आएगा, मीथेन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, किसका मीथेन का एग्जांपल लेते हैं, सेम देखो ये पूछ रहे हैं कि हमें पता कैसे लगेगा कि इसमें होमोलिटी का रेट नहीं, तो उसमें बोलेगा ना कि सीधे सीधे पूछेगा कि भाई इसमें हेट्रोलिटिक फ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में, तुम्हें हेट्रोलिटिक फ्यूजन कराना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एग्जांपल ले रहा है, अभी ये मत समझ लेना कि मीथेन में है तो उसमें होमोलिसिस भी हो रहा है हेट्रोलिसिस भी हो रहा है, ये कैसे, अच्छा अगर होमोलिसिस बोले डेट मीन सेम ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, लेकिन तो इसका क्या होगा, अच्छा ये जो है ना कार्बन की, जो कार्बन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हाइड्रोजन से थोड़ा ज़्यादा होती है, तो ये जो है ना ऐसे पूरा पूरा का पूरा बॉन्ड अपने तरफ शेयर करा देगा, ये तो चीटिंग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन इसके साथ ना कुछ लग जाएगा, जैसे रिएजेंट होते हैं उसको बोलते हैं, जैसे एच म्यू है, या इसके साथ जो पावरफुल रिएजेंट लग जाएगा, ठीक है, तो इसको सपोर्ट कर देगा इस कार्बन को, और ये बेचारा अकेला पड़ जाएगा, तो सारा जो मतलब इसी मतलब इसके साथ दो लोग हो गए, अकेला हो गया क्या बोलो बोलो, चलो समझो यार तुम लोग को मजा आती है, प्यार आते देखो देखो, ये अगर इधर से कर लेगा ना, ये कह रहा है कि अगर मजाक बाद में करो यार, बस हो गया ना, ठीक है। ये देखो इधर आएगा तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो ध्यान से समझो उसके बाद हंसना, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब दो इलेक्ट्रॉन ये जब पूरा का पूरा अपने तरफ शेयर करा लिया तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा ये बताओ, नेगेटिव, हाँ नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो सी एस थ्री नेगेटिव, ठीक है, और इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, H प्लस आएगा, ठीक है। कभी तुम लोग H माइनस लगा देते हो, कभी भी नहीं देखे होगे, मतलब देखोगे OH माइनस, हाँ तो OH माइनस वो अल्कोहल ग्रुप होता है ना, दूसरा ये हाइड्रोजन के ऊपर माइनस नहीं है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, तुम ऐसे होल में ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हो, ठीक है, ये सब मत मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये इसको क्या बोलोगे, इसको जैसे उसमें बोलते थे फ्री रेडिकल, इसको बोलोगे मैथिल कार्बो, मैथिल कार्बो एनायन, एनायन मतलब समझते हो ना, कैटायन एनायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन कैटायन, अरे उसको ऐसे होता है हाइड्रोनियम, समझे इसको कि नहीं, पहले इधर देखो समझ गए ये क्वेश्चन, बस ये ऐसे इसी तरीके से होगा, एनायन
लिखवा दे क्या? नहीं नहीं एनायन निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, देख लो कैटायन पॉजिटिव चार्ज, अब्लिक भी लो, समझ गए? इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब समझ गए ना, वो जो दोनों बॉन्ड पेयर होते हैं वो अपने तरफ मतलब खींचा कर लेते हैं और ये इसका फ्री रेडिकल हो जाएगा, ठीक है? कोई और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल है खाली, मतलब इसका जो मेन वो है खाली CH3 - K, हां बस H भी लिखना ना, H का बोले भाई देखो H पे नहीं होता, ये होल पे होता है, समझ गए? मैं ये सोच रहा अगर हमसे पूछ लिया जैसे इसका हेटरोलिटिक बताओ, हाँ? तो हम क्या लिखेंगे? CH3 माइनस और H प्लस नीचे लिखेंगे। अरे भाई बगल में लिख दो, ऐसे लिख दो CH3 माइनस प्लस H प्लस लिख दो, उससे कोई बात नहीं हो ना, नीचे ऊपर लिखने से कोई बात नहीं। दैट मीन्स इसको जब जो प्रोडक्ट आया, देखो ऐसे होगा कि प्रोडक्ट में ऐसे बनेगा, ठीक है? और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल हो एच और सी एल, ठीक है? एच सी एल। अब इसका अगर कोई बोले हेट्रोलिसिस, बोलेगा ऐसे क्वेश्चन, हेट्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तुम कराना होगा। ये सब कैसे करेंगे? कैसे करोगे बताओ? हाइड्रोजन को हड़प लेंगे। इसमें देख, तुम्हें देखो पता करना पड़ेगा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की। तो देखो क्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब सारे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है? और तो जो हाइड्रोजन होता है ना, सुनो पूरे एलिमेंट्स में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कमजोर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में, ठीक है? जो कि जब चैप्टर 3 पढ़ोगे तो उसमें सारा कंक्लूजन क्लियर हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड जाएगा पूरा बॉन्ड ऐसे जाएगा ना, देखो तो सीएल नेगेटिव, होमोलिसिस बताते थे, हां जो होमोलिसिस बताते थे ऐसे बताते, देखो अगर सपोर्टेड होमोलिसिस इसका कराना होता तो ऐसे होता, ऐसे होता, ठीक है? समझ रहे हो? इधर देखो दोनों मतलब पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हैं, ठीक है? तो ये अगर होमोलिसिस पे आता ऐसे लिखेगा, इसको लिखा है लिख लेना, इसको एग्जांपल दे करके, ठीक है? होमोलिसिस अगर बोलता एरो के ऊपर लिख लेना, तो ये क्या होगा? एच फ्री रेडिकल और सी एल फ्री रेडिकल, ठीक है? ये प्रोडक्ट मिलता। अगर यही क्वेश्चन किसी का हेट्रोलिटिक बोलेगा तो क्या होगा? हेट्रोलिटिक बोलेगा तो क्या होगा? तो एच, एच के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, जैसे हम किसी को पैसे देंगे तो हम हमेशा पॉजिटिव में ही रहेंगे ना, दिया था ना, हाँ छीन ले चाहे जैसे दे दे लेकिन हम पॉजिटिव में ही रहेंगे ना, वापस करेगा जब बॉन्ड बनाना होगा तो वापस भी कर देगा। अब देखो H के साथ प्लस है ना, देखो H के साथ प्लस है ना, तो ये जो है ये मतलब कि इसकी बैलेंस सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये किसी ना किसी के साथ सोचेगा कि मैं बॉन्डिंग बना लूँ। जैसे इसमें छूटा था H और Cl का एग्जांपल लिए थे, तो जो है H जो है क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना लिया था, ठीक है? ये सब बनेगा और प्लस क्या होगा? प्लस Cl माइनस, ठीक है? ठीक है ये बनेगा। अब ये हो गया